गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 3 एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक स्पीड। सो टुडे वी आर स्टडी अबाउट स्पीड। सो आई एक्सप्लेन व्हाट इज स्पीड। सो द डेफिनेशन ऑफ स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय an object in a unit time is called speed of the object। किसी particular distance जो है और किसी particular time में जो भी object है वो जितनी distance travel करेगा वही उसकी कहलाएगी speed। So definition formula of speed, speed is equal to distance by time। So traveling distance and unit time is called, the ratio of distance and time is called speed। Dear students, speed is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, इसकी कोई direction नहीं होगी। Speed scalar quantity है, scalar और vector जो है चैप्टर आपने पढ़ लिया है, तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पे स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ स्पीड। डायमेंशन ऑफ स्पीड, द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज L1 एंड टाइम इज T1। सो M0 L1 और ये T डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा T-1। सो डायमेंशन आ जाएगी M0 L1 T-1। सो डायमेंशन ऑफ स्पीड इज M0 L1 T-1। क्लियर? ऐसा यूनिट कैलकुलेट करते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इज सेकेंड। सो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट इज CGS सिस्टम। इन CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर किसमें चेंज जाएगा, मीटर चेंज जाएगा सेंटीमीटर में और सेकेंड जो है वो सेकेंड में ही रहता है। जो आपने MKS, CGS और FPS इन सब में जो यूनिट्स आपने देखी हैं, उनमें सब में टाइम सेकेंड में ही रहता है। चेंज होता है तो मास चेंज होता है या डिस्टेंस चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस मीटर में है, मास किलोग्राम में है। यहाँ CGS में डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मास ग्राम में है। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो आपके पास मीटर पर सेकंड है उसको CGS में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्पीड। इसमें तीन चार टाइप है, इंस्टेंटेनियस जो 4 नंबर पे है उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहाँ पे इस चैप्टर में, इस वाले जो वीडियो है इसमें तीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्पीड, फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड देखिए हमारा फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन ध्यान से समझेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ उससे समझते हैं कि जैसे ये आपके पास डिस्टेंस ए बी सी डी इस तरह से है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। टाइम इंटरवल ये टी, ये इंटरवल भी टी, ये भी टी। क्लियर? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि जितना टाइम इंटरवल है उतना ही, उतने ही टाइम इंटरवल में, जो एक टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दूसरे टाइम इंटरवल में, यानी कि उतने ही टाइम इंटरवल में उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और थर्ड देखिए तो टाइम इंटरवल वो का वो है, डिस्टेंस भी वो है, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में अगर अपन बात करें तो वेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल कवर करता है तो ऐसे स्पीड क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि टाइम इंटरवल देखिए, यहां पर लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में ये डिस्टेंस, लेट अस कंसीडर हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस है आपकी जो 5 मीटर है, लेट अस कंसीडर इस ए बी में, तो ए बी में टाइम जो है वो है आपका
5 सेकंड और 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। तो अगर उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही 5 मीटर, तो इसका मतलब सेम टाइम इंटरवल में कवर्ड जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहे, तो ऐसी जो आपके पास स्पीड है वो स्पीड कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां से यहां तक की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, जो भी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, बी से सी की भी सेम आएगी और सी से डी की। इट मींस वी कैन राइट स्पीड इज ए बी, स्पीड इज ए बी इक्वल स्पीड इज बी सी इज इक्वल स्पीड इज सी डी। क्लियर? तो ऐसे जो आपके पास स्पीड है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फिर सेकंड है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म, नाम से ही पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को समझते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये ए बी और ये सी या और ये डी, तो ये डिस्टेंस है 5 मीटर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइम इंटरवल टी इज 2 सेकेंड, दिस टाइम इंटरवल इज 2 सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। तो बताइए टाइम इंटरवल 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर जाता है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये पहुंच जाता है किस पे, 10 मीटर पे। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है 10 मीटर, ठीक है। इट मीन्स सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, तो ऐसे में जो स्पीड आएगी वो कैसी आएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगी। क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस जो कवर्ड डिस्टेंस है वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। नेक्स्ट है आपके पास एवरेज स्पीड, तीसरा हम देखते हैं, थर्ड है आपके पास, थर्ड इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को समझते बेटा, तो टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहां समझा देता हूं इसको, कि ये हमारे पास कोई पाथ है, यहां से आता है ए फिर बी, ये सी, ये डी और ये ई। यहां टाइम T1 है, यहां टाइम T2 है, यहां टाइम T3 है, यहां टाइम T4 है, अलग अलग टाइम इंटरवल है, और यहाँ डिस्टेंस x1 है या x2 है या x3 है या x4 है, तो सेम इंटरवल टाइम भी नहीं है और डिस्टेंस भी सेम नहीं है, तो उनकी एवरेज, उसकी एवरेज स्पीड a से e क्या होगी, तो a से e तक उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो बीच में उसने अलग अलग टाइम पर, देखो कोई भी गाड़ी अगर ट्रेवल करती है तो कहीं पर स्पीड स्लो होगी, कहीं पर फास्ट होगी, कहीं पर ब्रेक भी लेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसकी एवरेज स्पीड कंसीडर करते हैं, तो क्या करते हैं टोटल कवर्ड जो डिस्टेंस है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ठीक है। इस तरह से आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी कि यहां से a से लेकर e तक उसकी एवरेज स्पीड क्या है, जबकि वो यहां से यहां तक कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहां से यहां तक कुछ अलग डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कुछ अलग है, यहां से यहां अलग, और टाइम इंटरवल भी सारा अलग अलग है, लेकिन हमें तो ए से ई तक पहुंचा उस टाइम तक उसकी पाथ में एवरेज क्या रहा, स्पीड एवरेज, तो वो कवर कर लेते, ठीक है। और जो अपने जितने भी गाड़ियां हैं सब में ध्यान रखना स्पीडोमीटर लगा होता है, ना कि वेलोसिटी मीटर होता है। कैसा मीटर होता है, स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर होगा तभी डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी उसके टाइम का डिवाइडेशन करके स्पीड कैलकुलेट कर लेती है, जबकि वेलोसिटी में क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, मैंने बताया था पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और जीरो भी। तो जीरो जाएगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, तो क्या वेलोसिटी जीरो हुई, तो किसी भी जो भी आपके पास गाड़ियां हैं उनकी जो हमेशा जो है जो मीटर लगे होते हैं वो स्पीडोमीटर होते हैं, वेलोसिटी के मीटर नहीं होते। तो बेटा इस तरह से ये एक और टाइप्स बच गए इसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो टाइप्स ऑफ स्पीड है वो 4 है, 4 टाइप्स है इसके, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज और इंस्टेंटेनियस, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।